सर ये कुछ जो रोटियां मेरी बसती है ना, हाँ, जो खाना बच जाता है, जो मेरा खाना बच जाता है सर, तो कुछ तो मैं अभी ये हल्का सा थोड़ा पक्षी आते हैं इनके लिए डालता हूं, ये डाल रखा है आपने, ये सब डाल रखा है मैंने, और कुछ मैं आगे रेड लाइट पे जाता हूँ, अगर ज्यादा बचता है तो मैं इधर थोड़ा सा डाल के, थोड़ा ज्यादा बचने के बाद मैं रेड लाइट पे जाता हूँ, कुछ लोग है उनको भी मैं खाना, मतलब वहाँ पे जो, हाँ जी, मतलब जो मांगने वाले होते, जो मांगने होते, सही है अपना, जो होता है, बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा काम कर, उनको भी सर मैं खिला देता हूँ, और कुछ हल्का सा बचाता हूँ कि मैं घर जाके भी, मतलब रात का डिनर फिर इसी से, इसी से। तो आज मैं जा रहा था सीपी की साइड, और सीपी की साइड जाते टाइम मुझे मिले एक भैया जिनका ये छोटा सा सेटअप, करते उनसे कुछ बात और पूछते कैसे सेटअप भैया ने सोचा और लगाया। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, कैसे हो? बस आशीर्वाद है आपका भैया। अरे भैया हमारा कहाँ आशीर्वाद, क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम राहुल है। राहुल है, अच्छा, तो कब से लगा रहे हो सर, और क्या क्या लगा रहे हो, कुछ बताओगे अपने बारे में थोड़ा सा? एक से डेढ़ हफ्ता हुआ है मुझे यहाँ लगाते हुए। अच्छा, और मैं 9-10 महीने से खाली था सर मैं अभी। अच्छा, और 9-10 महीने से खाली बैठे थे जी सर। अच्छा, प्रॉब्लम थी सर मेरी कमर में, प्रॉब्लम थी, मैं काम नहीं कर पा रहा, लोअर बैक में जी। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रॉब्लम थी, और सर अभी मैं मेडिसिन ले रहा था, और अभी भी ले रहा हूँ मेडिसिन सर। पहले क्या करते थे? पहले सर इससे पहले मैं ड्राइविंग करता था, बस चलाता था। ड्राइविंग करते थे बस? अच्छा, ये अपनी मतलब कैसी, प्राइवेट सरकारी? अभी गवर्नमेंट लिमिटेड जॉब थी सर मेरी। अच्छा, SIBF करता था उसके अंदर। अच्छा अच्छा, अभी तो 9-10 महीने से मैं नहीं चला रहा हूँ सर वो। अच्छा, कौन से रूट पे चलते सर आप? सर मैं म्यूर बिहार फेज 3 से 611 611 की रूट में, रूट नंबर 611। अच्छा, और रूट होता था म्यूर बिहार फेज 3 से आरकेपुरम। तो ये ग्रीन रेड कौन सी, ऑरेंज वाली? क्लस्टर वाली। अच्छा चलो, तो फिर अब, फिर मतलब उसके बाद अब डॉक्टर ने क्या मना कर दिया क्या? सर उन्होंने भी मना कर दिया मुझे ड्राइव करने के लिए, तो सर मैं कर नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, मेरी फैमिली की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो इसलिए सर मैंने ये छोटा सा, आर्थिक तंगी की वजह से आपने ये स्टार्ट किया जी। और कुछ सर ये अपनी लॉकडाउन वगैरह जो लगा था, अच्छा, उसको लेके थोड़ा बहुत, तो अब ड्राइविंग के लिए बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर रखा डॉक्टर? बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर रखा सर। तो वो चल रहा है काम, अभी खोला है आपने, वैसे तो नया है, 1.5 हफ्ते हुए। क्या क्या वैरायटी अपने पास, क्या क्या? सर मैं एक तो राइस रखता हूँ। दिखाओगे आप तेरा? हाँ जी सर। अच्छा, सर ये राइस क्या मेरे पास अभी तो थोड़ा खत्म हो गया है। अच्छा, और राइस भी मेरा 80 रुपए किलो वाला राइस होता है सर। हाँ वो तो दिख ही रहा है, लेंथ अच्छी है राइस की। हाँ जी, बासमती राइस है, तेज पत्ता वगैरह डाल रखा आपने, जीरा, काली मिर्च, सब कुछ है सर, सब कुछ है, सब रहता है इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, खड़े मसाले पूरे डाल रखे, पूरे डाल रखे सर। जीरे का खुशबू भी अच्छी आ रही है, जीरे फ्लाव वाली खुशबू आ रही है, जीरे का तड़का लगा के उसमें डालता हूँ सर। अच्छा, ये जीरा आ रहा है इसके अंदर, देखिए। हाँ दिख गया, दिख गया, बिल्कुल देख पा रहा हूँ मैं, बढ़िया खुशबू भी अच्छी आ रही है, पुलाव वाली क्वालिटी है मतलब। और क्या है साथ में? और सर मेनू में रोज चेंज करके सर लगाता हूँ। क्या बात है, आज तो छोले है, क्या बात है सर, राजमा छोले तो मेरे फेवरेट है सर। ये आज मैंने काबली छोले बनाए थे, बिना सोडे के छोले बनाता हूँ सर ये मैं। अच्छा, और इसके अंदर लहसुन प्याज टमाटर का तड़का लगाता हूँ सर, तेज पत्ता हींग वगैरह सब डालता हूँ। अच्छा, और कश्मीरी मिर्च वगैरह नहीं डालता, गरम मसाले, तीखी मिर्च, बाहर का कुछ नहीं डालता सर, अपने घर का नॉर्मल, मतलब पंजाबी। हाँ, पंजाबी फूड बना के खिलाता हूँ। पंजाबी फूड बनाते, और सबसे बड़ी बात है कि खड़े मसाले और ये सब नहीं डाल रहे। हाँ जी, और क्या क्या डालते हो? और सर इसके अंदर लहसुन प्याज टमाटर अदरक और हींग का तड़का लगा के बढ़िया। नमक? नमक सर, नमक मैं ये व्हाइट वाला नमक मैं यूज नहीं करता हूँ सर सब्जी के अंदर। अच्छा, मैं यूज करता हूँ। तो ये अभी ला रखे हो आप ये? हाँ सर, वो ऐसा होता है कि हमें तो हैबिट है। हाँ, हम तो काफी सालों से लाहौरी नमक खा रहे हैं, हमें उसकी आदत है कम की, क्योंकि जब जो नॉर्मल नमक खाने वाला इंसान है उसको ना कम लगता है वो नमक। अच्छा, वो ऊपर से अपना ये नॉर्मल नमक व्हाइट वाला डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। चलो बढ़िया, मतलब कि ये है कि अगर कोई, जैसे बहुत से लोगों को बीपी की शिकायत है, हार्ट की शिकायत है, तो उनके लिए बेनिफिट है काफी आपका खाना खाने से, कि भाई खड़े मसाले नहीं है, बीपी हाई वगैरह नहीं होएगा, सोडा नहीं है, तो हेल्थ के लिए अच्छा है, नेचुरल चीजें डालते हो कहने का मतलब। बढ़िया, ठीक है। और क्या, रोटी वगैरह भी लाते हो? हाँ जी सर, ये मेरे पास तवा रोटी होती है। अच्छा, ये सारा खुद ही बनाते हो? सर मेरी वाइफ बनाती है। अच्छा, वाइफ सर मेरी वाइफ बनाती है, सब वाइफ बनाती है सर, मुझे तो ये बनाना भी नहीं आता। अच्छा अच्छा, और मेरी वाइफ बनाती है, जो बात सच है मैं सच बताऊं। अच्छा, कहीं मैं आपसे झूठ बोलूं कि मैं बनाता हूं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सर ये हमारा जो राशन आता है ना, जैसे कि राशन भी क्या आता है, मेरे फ्रेंड वगैरह कोई मदद करते हैं मेरी। अच्छा, कोई राशन देता, हमारे नरेश सर है, हमारे दीपक सर है, और ये मेरे फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड क्या मेरे अजीज है, बिल्कुल दिल के करीब है सर ये,
तो वो आपको राशन देते हैं मतलब सर, उससे आप ये सब अभी करना स्टार्ट किया? हाँ जी, वो हमें राशन का गेहूं देते हैं, गेहूं को साफ करके धो के अच्छा। उसे हम पिसवाते हैं, उस गेहूं की हम रोटी बनाते हैं। रोटी बनाते मतलब बिल्कुल प्योरली घर की रोटी है, बाहर का आप जो है गेहूं मतलब आटा नहीं खरीदते, खुद पिसवा के खुद बनाते हो घर पे, और घर पे ही सारी चीजें तैयार होती है। क्या बात है सर, और रेट क्या है सर अपना एक प्लेट का? सर एक ये मेरी थाली होती है सर, ये एक थाली होती है हाँ। इसके अंदर दो सब्जी होती है सर हाँ। एक तरी वाली सब्जी होती है ओके। एक हरी सब्जी होती है इसमें की अच्छा। सूखी सब्जी आलू तो अभी तो आपने एक ही सब्जी दिखाई सर में? वो अभी सुबह मॉर्निंग में लेके आता तो खत्म हो गई थी सर। खत्म हो गई। इसके अंदर दो सब्जी होती है, दो सब्जी और सर चार सलाद होती है, सलाद होता है, हरी मिर्च होती है अच्छा। और सर में सर प्यार वाला एक छोटा सा गुड़ होता है, गुड़ होता है अच्छा। दिखाओगे गुड़ का रखते हैं? बिल्कुल सर। क्या बात है सर, ये होता है मेरे पास सर, ये देखिए अच्छा। ये थाली में चलो, ये भी आपने मतलब नेचुरली रख रखा है, ये नहीं कि चीनी मिश्री दे रहे हो? नहीं नहीं नहीं, बढ़िया बढ़िया। उसके संग में मेरे पास ग्रीन चटनी मेरी वाइफ बनाती है। इसमें क्या क्या डालते हो? इसमें सर होती है हरी मिर्च हाँ जी, और टमाटर, दही, पुदीना अच्छा, ये सब हरी मिर्च वगैरह, धनिया वगैरह, मतलब प्योरली घर का खाना। बढ़िया, बिल्कुल पंजाब वाली चटनी होती है। पंजाब का जायका होता है इसके अंदर। वैसे छोले राजमा भैया पंजाब और चिकन मटन पंजाबी के हाथ का खाओ तो बढ़िया, ये अलग ही टेस्ट आता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर टाइम? हाँ जी हाँ जी, बोलो। घर के ही सब मसाले यूज करता हूँ, बाहर का कुछ नहीं लेता। बढ़िया सर, बढ़िया। टाइमिंग क्या सर अपनी? टाइमिंग सर मेरा सुबह 9:30 से लेके शाम को 4:30 बजे तक मैं रहता हूँ। अच्छा अच्छा, तो अभी मतलब रिस्पॉन्स थोड़ा सा मीडियम है? मीडियम सर, अभी ऐसा है कि अभी इतना। कितनी प्लेट लाते हो नॉर्मली डेली का? सर मैं लेके आता हूँ 20-20 20 प्लेट लेके आता हूँ रोटी नॉर्मल, मतलब एक एस्टिमेट है 20 प्लेट्स का खाना लेके आते हो, बचता है? हाँ उसमें से भी बचता है, अभी भी देखो ये कम से कम बच गया है सर। रोटी तो काफी दिख रही है बची हुई सर, ये बची हुई है अभी मेरी रोटी। तो अब इनका क्या करोगे आप सर? अभी कुछ नहीं करूंगा, 20 रोटी तो मेरे ख्याल से यही बची है, 15-20 के रहे सर। अभी मैं क्या करूंगा कि अभी कुछ देर और रुकूंगा, अभी कोई आ गया खाने के लिए तो मैं खिला दूंगा। तो ये आ गए हमारे छोले और चावल, हम करते हैं टेस्ट और बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। और देखो क्वांटिटी, देखो छोले की क्वांटिटी, चावल की क्वांटिटी, ऊपर से चटनी, प्याज और साथ में है गुड़। मीठे के लिए देते हैं भैया गुड़। और ये जो क्वांटिटी है आप मान नहीं सकते, आप सोचो में भाई कितने में, 30 रुपये में मात्र इस क्वांटिटी में भैया खाना देते हैं। और चलो खाते हैं, आगे चेक करते हैं। क्वांटिटी हमने देख ली, क्वालिटी देखते हैं क्या है। बाकी छोलों का साइज़ काफ़ी अच्छा है, भैया ने अच्छे खासे क्वालिटी वाले छोले डाल रखे हैं। टेस्ट भी बहुत बढ़िया है, चावल का जो टेस्ट आ रहा है ना, मतलब ऊपर से उन्होंने मसाला डाला है, और जो चावल है जीरे की छोंक वाला चावल है, इसमें हल्का सा लेमन का टेस्ट है, काली मिर्च डली हुई है, बड़ा अच्छा स्वाद आ रहा है, तेज पत्ते का स्वाद आ रहा है, मतलब फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। तो रेट के हिसाब से मैं तो कह रहा हूँ बहुत बढ़िया, अगर हमारे घर के आसपास होता तो शायद मैं लंच वंच ब्रेकफास्ट यही करने आया था, क्योंकि बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है सच में। तो आप भी आइए, खाइए, टेस्ट करिए, और भैया की सपोर्ट भी करिए, अपना भी टेस्ट लीजिए। कम पैसों में अच्छी क्वालिटी यहाँ पे मिल रही है, तो आइए और खाइए। हम करते हैं अपना फूड एंजॉय, आप भी करिए हमारी वीडियो एंजॉय, और बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू।